जेजुइट प्रीस्ट है जो गोवा से अकबर के कोर्ट में 1580 में आता है और यहाँ ऊपर पहली चर्च बनाई जाती है। एक जगह है जहाँ पर वो रहता है, अभी भी मौजूद है। एक दिन अकबर उसको इनवाइट करता है दैट यू कम ओवर एंड मीट। ऑलराइट, सो व्हेन ही एंटर्स इनटू द पैलेशियल कॉम्प्लेक्स ही इज टेकन इनटू अ बिल्डिंग वेयर द एम्परर इज सिटिंग वाइल पार्टेकिंग फूड, बैठ के वो खाना खा रहा है और वहीं पे मॉन्जरेट को, फादर मॉन्जरेट को, जेजुइट प्रीस्ट को बुला लेते हैं और कहते हैं आइए खाना खाइए। अब वो जब फादर वहाँ जाता है तो ही राइट्स दैट व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड दैट ऑन द वॉल्स द फिगर्स ऑफ प्रोफेट्स लाइक अब्राहम, मोसेस, मैरी एंड मोहम्मद आर मेड ऑन द पैनल्स ऑफ द रूम। आई आस्क्ड हिम द एम्परर हु आर दे, सो द एम्परर स्माइल्ड, ही सेड दिस इज अब्राहम, दिस इज मोसेस और वो मोहम्मद है, अपने को डिसोसिएट करते हुए। एंड ही सेज दैट मदर मेरी इज ऑल्सो देयर, है ना। तो यही एक कमरा है जहां ऊपर इस टाइप के हर पैनल में ये कमरा जो है एक्चुअली दिस इज द प्राइवेट ऑडियंस जहां बिल्कुल एक्सक्लूसिव किसी से वन टू वन इनको बात करना है। व्हाइट हाउस सॉर्ट ऑफ उधर पब्लिक जमा हो रही है जिनको आप एड्रेसन दें। यहाँ विंडो है, इसके ऊपर जो इनका फॉर्गा चैम्बर है उस पर विंडो है, राइट, है ना, दोनों तरफ। और अगर जो सुबह सुबह ब्राह्मण और सिटी वाले जो जमा हो रहे हैं वो बाहर उसके एक पूरा एक एरिया है जिसपे एक पवेलियन है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको अब दफ्तर खाना पकड़ते हैं। एक्चुअली दैट वॉज द इबादत खाना, मेन इबादत खाना। और उसके आउटर साइड पे जहाँ नीचे वैली और बहुत बड़ा एरिया ओपन ग्राउंड जहाँ ब्राह्मण और दूसरे लोग सुबह उठ के और जब तक बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे वो नाश्ता नहीं करते, दैट वॉज द मेन धर्म दर्शन वो वहाँ। तो अलग अलग लेवल पे कौन आ रहा है बादशाह को देख के, और अगर इसको भी आप देखिए कलगी है, राजा है, आईडी नीचे ये यहाँ और चारों तरफ ही सराउंडेड बाय अदर पीपल जो बहुत रेवरेंस के साथ उसके चारों तरफ खड़े हैं। सो हु इज ही, इज ही अकबर हिमसेल्फ? आई थिंक सो, हाँ, नो वन नोज, नो वन नोज, बट वी कैन अज्यूम दैट ही मस्ट बी अकबर। सो ही सराउंडेड बाय सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज हु हैज बीन डिपिक्टेड। कलगी है सर पे जो से बादशाहों के नीचे नॉट है, पूरा अग्रखा है, ब्लू कलर का पजामा है, अग्रखा सिर्फ, लेकिन अग्रखा जो है वो है जो राजपूत पहना करते थे, नीचे से इनका तिकोन हुआ करते थे वो अलग पहनते थे, वो दिखाया गया। चेहरा देखो इसका डार्क डार्क है, डार्क बल्कि है, जस्ट लाइक अकबर बट डार्क डार्क, सो पॉसिबली नॉट बिकॉज़ ही वाज फेयर। और लेकिन जो भी है ये, he is surrounded by nobles from all the sides. Can be someone from the Rajput. कोई मिनिस्टर हो सकता है। कोई भी हो सकता है। मिनिस्टर भी हो सकता है। और वो जो नजर डाल रही है, राइट ना? नहीं तो दिल में समा कहा जा रहा है वो, तो जयपुर की है शायद।
ख्वाजा मेरे ख्वाजा नहीं चिश्ती है यहाँ से ख्वाजा ही तुम्हें ख्वाजा है वो भी कोई पेंटिंग नजर आ रही है आपको समझ सकते हो कि यहाँ पेंटिंग थी कभी नहीं आ रही है अब जरा इसके एक एक फूल देख लीजिए यहाँ पर देखिए ऊपर जूम इन कीजिए बहुत ही खूबसूरत सा रेड फ्लावर है ये बटन जा रही है ऊपर ऊपर तो घिस गया पत्ता ये भी जो घिसा है वो आपके एसआई ने घिसा है मेरे पास इसकी फुल फोटोग्राफ मौजूद है एक वो केमिकल्स दिए गए थे वॉल को साफ करने के बाहर की वॉल बगैर सुपरिंटेंडेंट के देखभाल के मजदूरों के हाथ पर उन्होंने क्यों रखा बहुत उधर उधर ऊपर भी कार दिख रहा है नहीं करते आप जब जरा थोड़ी देर याद रहे पूरी होना ऐसा नहीं है नाम आइए इधर ये तो हाँ ये तो है ये इधर तक ये इसलिए वाला इसकी नेता को ये पूरा कार दिख रहा है अब मैं तुम्हें इसका इस कार का तुम्हें दिखाऊंगा जो पेंटिंग होती है इधर भी है एक और अरे दिस इज ये तो वो है मैरीगोल्ड ये कमरा जो है एक्चुअली दिस इज द प्राइवेट ऑडियंस जहाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव किसी से वन टू वन इनको बात करना है अब व्हाइट हाउस सॉर्ट ऑफ उधर पब्लिक जमा हो रही है जिनको आप एड्रेसन दें यहाँ विंडो है इसके ऊपर जो इतना फ्वाबदा चैम्बर है उस पर विंडो है राइट है ना दोनों तरफ और अगर जो सुबह सुबह ब्रह्म और सिटी वाले जो जमा हो रहे हैं वो बाहर उसके एक पूरा एक एरिया है जिसपे एक पवेलियन है कुछ और चीज़ें हैं जिसको अब दफ्तर खाना पकड़ते हैं एक्चुअली दैट वॉज द इबादत मेन इबादत और उसके आउटर साइड पे जहाँ नीचे वैली और बहुत बड़ा एरिया ओपन ग्राउंड जहाँ ब्राह्मण और दूसरे लोग सुबह उठ के और जब तक बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे वो नाश्ता नहीं करते दैट वॉज द मेन धर्मगा दर्शन वो वहाँ तो अलग अलग लेवल पे कौन आ रहा है बादशाह को देख के और अगर इसको भी आप देखिए चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं लेजर का ये वो था आज से मुश्किल से सन 2000 तक इसकी फ्लोर यहाँ तक थी जो आप ये देखेंगे नीचे के पिलर्स आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर रेड यहाँ तक की फ्लोर थी इसकी यानी इसकी जो फ्लोर थी वो ऊपर तक थी बंद सर सैयद अहमद खान इसमें बैठा करते थे जब वो अंग्रेज़ों की सरकार में मुंशी थे तो यहाँ पे अक्सर लोग आके डूब जाया करते थे पानी इतना था सुसाइड करने आ जाते थे तो एक फॉल्स यहाँ के ऊपर उसकी उन्होंने फ्लोरिंग करवा दी थी सर सैयद अहमद खान जो यहाँ तक ये नीचे बंद हो गया था जब
2000 में एक्सकेवेशन ASI ने करवाए तो इसके नीचे ये सब निकलना शुरू किया, अखबारों में इन्होंने देना शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, के साहब वहाँ तो मंदिर था, वो मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। ये सभी जगह जगह इस तरह की क्यों बनाया है? ये आगे छतगिरी लगाने को, तो क्योंकि ये ऐसा वेदर है ना यहाँ पे, बहुत सीवियर धूप, डंडे लगा के ऐसे ये कमरा जो है एक्चुअली दिस इज द प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव किसी से वन टू वन इनको बात करना है। व्हाइट हाउस सॉर्ट ऑफ उधर पब्लिक जमा हो रही है जिनको आप एड्रेसन दें। यहाँ विंडो है, इसके ऊपर जो इनका ख्वाबगा चैम्बर है उस पर विंडो है, राइट है ना, दोनों तरफ। और अगर जो सुबह सुबह ब्रह्म और सिटी वाले जो जमा हो रहे हैं वो बाहर, उसके एक पूरा एक एरिया है जिसपे एक पवेलियन है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको अब दफ्तर खाना पकड़ते हैं। एक्चुअली दैट वॉज द इबादत खाना, मेन इबादत खाना। और उसके आउटर साइड पे जहाँ नीचे वैली और बहुत बड़ा एरिया ओपन ग्राउंड, जहाँ ब्राह्मण और दूसरे लोग सुबह उठ के जब तक बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे वो नाश्ता नहीं करते थे, दैट वॉज द मेन जरूरत दर्शन, वो वहाँ। तो अलग अलग लेवल पे कौन आ रहा है बादशाह को देख के, तालाब ये यूनिक टैंक जो अगर आप उस पीरियड के सोर्सेज पढ़ें तो यहाँ जिक्र मिलता है कि दो टैंक्स बनाए गए थे। अब्दुल कादिर बदायूनी अपने अकाउंट में दो टैंक्स की बात करता है, उसमें एक अबुल फजल एक की बात करता है, लेकिन बदायूनी बताता है कि एक टैंक जब बना था, जब एक कोई लाहौर से कोई एक सूफी सेंट कोई आया, उसने कहा कि मैं एक ऐसा चैम्बर बना सकता हूँ कि जिसके अंदर पानी ना जाए और मैं घुस जाऊँ जबकि ऊपर तक भरा हो, तो बादशाह ने कहा बना दीजिए। सो द सेकेंड टैंक वॉज बिल्ट, जिसके बीच में एक चैम्बर बनाया गया और फिर इससे कहा गया कि चलिए घुसिए। नेचुरली ही फेल्ड, ही नेवर थॉट कि एम्परर पूरा खुदवा देगा, उसे बनवा देगा। व्हेन ही फेल्ड तो अकबर ने उसे पनिश नहीं किया बल्कि मुस्कुरा के कहा कि इसको तांबे के सिक्कों से मार लो, कॉपर कॉइन्स, और ये दे दो इनको जाओ, यही यही मकसद था ना इनका पैसा, तो सोने चांदी के नहीं, तांबे के सिक्के बनवा के उनको दे दिए जितने भी देने थे। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अ मिनरेट, मीनारे बुलंद वॉज क्रिएटेड। ओके, अब आप फतेहपुर सीकरी में 19th सेंचुरी की फोटोग्राफ से लेके और अब तक कहीं पे भी एक मीनार आपको यहाँ नजर नहीं आया। बदायूनी बता रहा है कि मीनार बनाया गया, झूठ बोल रहा है क्या? There is one हिरन मीनार। नहीं, वो तो हिरन मीनार तो अलग, वो तो माइल्स जीरो माइल्स टू है, विद इन द पैलेस कहीं नहीं मिलेगा। अकबरनामा में कोई जिक्र नहीं मिलेगा जो आप ऑफिशियल हिस्टोरियन है, लेकिन अकबरनामा की एक पेंटिंग है, दो पेंटिंग आर्टिस्ट ने, आर्टिस्ट तो वही बनाएगा जो देखेगा, दोनों पेंटिंग्स में बिल्कुल बीचों बीच में एक मीनार दिखाया गया। उसका लोकेशन ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग को विजुलाइज कीजिए एज अ फोटोग्राफ, उस साइड से ली गई, क्योंकि पीछे वो जो सो कॉल्ड जोधाबाई पैलेस है उसकी भी रूफ नज़र आ रही है, ये वाला जो ख्वाबगाह का चैम्बर है ये नज़र आ रहा है, उसके सामने ये मीनार बना हुआ नज़र आ रहा है, तो वो लोकेशन समवेयर हियर, पॉसिबली दिस और सम नंबर एक। लेकिन वो बाद में शायद किसी वक्त तोड़ दिया गया, क्योंकि जब तक
अबुल फजल ने जिक्र नहीं किया लेकिन उसके यहाँ पेंटिंग में मौजूद है। बदायूनी ने बाकायदा ईयर के साथ बताया कि फला सन में ये बनवाया गया था लेकिन आज वो सर्वाइव। अब ये जो एरिया था खजाना यानी तला जहाँ हम लोग खड़े हैं, बाज़ दफ़ा अकबर जो थे वो अपने चैम्बर से उतर के यहीं के ऊपर थर्सडे नाइट्स में रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे, इंटेलेक्चुअल टॉक्स किया करते थे, इबादत खाना डिस्कशंस। इबादत खाना नाम से एक अलग जगह भी है लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे होता है आज जाने का दिल नहीं कर रहा वहीं कर रहा है। तो दैट वॉज़ द चैम्बर जिसमें चैम्बर वेयर यू नो इट वॉज नीडेड के हर ऐसे टैंक के पास पर्शियन ट्रेडिशन में एक चैम्बर बनाया जाता था जहाँ बैठ के प्लेजर फील करते। अगर आप इसे देखेंगे तो ये चैम्बर जो है ये वाहिद ऐसा चैम्बर है जिसका एक एक स्पेस जो है वो ब्यूटिफुली कार्व्ड है, मतलब इसमें एनिमल लाइफ डिपिक्टेड है, इसमें एक भी पीस ऐसा नहीं है जो कार्व्ड आउट ना। ऐसा ही जो उधर की तरफ एक बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो पहला पैलेस था अकबर का, सबसे पहला जो बिल्डिंग बनाई थी, उसमें भी ऐसा ही ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा। और ये इसके अलावा कहीं और नहीं, इसको किसी वक्त 19th century में जो टूरिस्ट गाइड्स थे यहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने इसको टर्किश सुल्ताना पैलेस को करना शुरू कर दिया। जबकि टर्किश सुल्ताना मतलब ऐसा लगता था कोई तुर्की सभी कोई क्वेश्चंस नहीं था, औरत यहाँ घुस नहीं सकती थी। जो फादर मंजरेट एक जेजुइट प्रीस्ट आया उसने इस पूरे एरिया का जो डिस्कशन में उसने पार्ट लिया था वो ये मिल चल के देखो। अच्छा बनाना था तो सारा पानी लगा दिया, पैसा लगा दिया तो थोड़ा सा और अच्छा कि इन्होंने बंद कर दिया। आप तो भूल सकते हैं देखो ये लोग बने हुए हैं, उससे तोते भी हैं, डायन्स भी हैं, ह्यूमन लाइफ है, फॉलिएज है, साइप्रस ट्रीज हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। देखो ये सर आर खाना मीन आप मीन खाना मम्मी आओ। वो जैसे चॉपर बिछाई जाती थी इंडियन चेस गेम जिसपे आप लाइव मोहरे रख के और खेलेंगे, भी चॉपर खेलते थे। हाँ, जी लाइव उस पे आप खेलेंगे। ये पूरा जो दौलत खाना का एरिया है मेन इंटीरियर क्वार्टर्स अब यहाँ पर काम करने इतनी स्पेस है यहाँ पे, इतनी स्पेस है कि आप तो एक बेड डाल दीजिए। आई थिंक ये वो होंगे एडमिट जो होते होंगे वहाँ पर और वो उधर सेंट्री टाइप पंचमहल अभी वो लोग करीब से जाके देखेंगे। और ये कॉर्डन वॉल है जो इसको इस एरिया को यहाँ से रोक रही है। इसके पीछे एक और पैलेस है जिसपे अकबर बैठ के खाना वाना खाता था और वो जो स्ट्रक्चर जिसपे क्यूपोला नज़र आ रहा है दैट इज़ दी हरम एरिया, प्रॉपर हरम एरिया जो जोधबाई पैलेस के नाम से अब कहलाता है।
देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये डिविजन्स नजर आ रहे हैं ना बने हुए, उस साइड से सब क्यूबिकल्स बने वाले हैं वेयर यू कैन पुट अप अ बेड डिफरेंट पेशेंट्स ऑल टुगेदर। एक मुगल मिनिएचर भी मौजूद है जिसमें पूरा सेटअप दिखाया गया है कैसे होता है। ये जो एरिया है ये इसको आप एक्सेस दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये दौलत खाना का एरिया जहाँ मेल बादशाह सलामत का चैम्बर, ये मेल एरिया इट्स डिवाइडेड बिटवीन पार्ट बीच देख रहे हो, ये कॉर्डन ऑफ कर रहा है, एक ट्रेन इधर बन रहा है एक इधर, वो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट है। और ये जो है जहाँ पे ऑफिसर्स और दूसरी चीज, लेकिन दोनों मेन को इस दीवार के पीछे उधर का एरिया हरम सरा। अगर प्रिंस सलीम भी 14 साल का हो जाएगा तो वो नहीं आ सकता इस एरिया, उस एरिया में बिल्कुल सेग्रीगेशन। ये जो कॉमन ग्राउंड है बीच में, इसमें हर कोई आ सकता है, मेल्स फीमेल्स सब आ सकते हैं। तो इसीलिए हॉस्पिटल ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ अगर शहजादियाँ हों, शहजादे हों, मेल क्वार्टर्स के रहने वाले हों, फीमेल क्वार्टर्स के रहने वाले हों, उनके लिए एक कॉमन ग्राउंड उधर से वो इधर से, यही एरिया था जहाँ पे जो जेजुइट फादर्स आए थे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इसी एरिया में कहीं ऊपर जो दो तीन बिल्डिंग्स हैं यही कहीं पर जैन था। He borrowed it because it belonged to one portion of his empire. Okay. कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, representation of each and every part of the empire over which he was ruling. वो आर्किटेक्चर यहाँ पे बोरो किया था, it was not religion. Unification. That area was actually जहाँ के फातिमा आ रहे हैं। ना जी अल्लाह। मैंने किसी इस सब डोर्स होते होंगे ना तब वहाँ पर पहले डोर्स। इस छत को देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो लकड़ी की, जबकि पत्थर की क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं थी। अगर ये लकड़ी का आर्किटेक्चर होता तब इनकी जरूरत सपोर्ट, ये कैंप सिटीज में रहने के आदि थे। This is the invocation of Buddha. अंदर कैविटीज हैं, इसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बहुत काउंसिल इसलिए क्योंकि अलग अलग चैम्बर है और हर चैम्बर दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप यहाँ एक गेट बंद कर रहे हैं तो वहाँ क्या बात होगी, यू जस्ट कैनॉट लिसन टू दिस। सो दिस इज सपोज टू बी अ प्लेस वेयर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग शुड बी। पुराने पत्थरों को चुपाए नए पत्थरों में। तेरा मोरी कहलाता था, विद 13 स्लूसेस इन बिटवीन। तेरा मोरी बिल्कुल मॉडर्न चलती, बट स्ट्रक्चर बेस वही है उसका। बेस जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ अकबर्स की, और वही ये रेगुलेट करता था इस पूरे यहाँ पे जो तालाब था। इधर जो आबादी नजर आ रही है,
ये नगर के नाम से है जो इसको प्रीडेट है, और वो जो गोल डोम है ग्रीन, वो हाँ वो ग्रीन डोम, उससे देखो एक एम्बैंकमेंट सा नज़र आ रहा है, वो बावन मोरी के नाम से है। इधर से एक शीर्षक बनाया गया, उधर से बनाया गया, चारों तरफ से उधर रिज है, पहाड़ियाँ हैं और ग्राउंड है, तो एक तरीके से पूरा एक एरिया मार्क कर दिया कि कहाँ पे ये वाटर जब फ्लो होगा और इन स्लूसेस के थ्रू आप कितना पानी इस पे लाना है, कितना कम करना है, कि एक लेवल तक भरा रहे वो आपको इससे मैनेज करना है। दैट इज़ हाउ पूरे ईयर एंड इस लेक को ये फंक्शनल था। वैसी थेरीज है ना, वो जूसी आप किसी से सुनिएगा, जहाँ जो टूरिस्ट गाइड जाते हैं बीच में बादशाह बैठता था, चारों तरफ की औरतें हुआ करते थे, दीवाने खास, हाँ हाँ हाँ, दिस इज हाउ आई मीन दे जस्ट फैंटेसाइज द But in the Hindu concept, the Hindu god sits on a lotus flower. That's how they. So lotus flower symbolically, this is a building which shows that the king is the avatar of God, Vishnu ka avatar. It's not necessarily that he's sitting there. और ये सिर्फ एक सिम्बॉलिक बिल्डिंग है, जो लोग बैठ हाँ वो तो वहाँ तक ले जाएंगे हर जगह से, लेकिन इसके ऊपर चलना मुश्किल है, वो पतले पड़ते हैं, तो इसे कोई सिर्फ एक सिम्बॉलिक बिल्डिंग है जो लोटस पिलर के, और ये जैन उससे बाहर से फ्लैट आप कहीं पे डोर नहीं लग सकते। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू, आप बोर हो जाओगे यार हम लोग के साथ, ठीक है थैंक यू। जो गिफ्ट में एम्परर देगा जिनको देना है, चलिए उसके लिए था पूरा ये आपके एएसआई में ये सोच के जाली तो मुगल काम है, ये के मोहम्मद अलीगढ़ी के थे। अच्छा उनसे कर रहे हैं ये, उन्होंने बहुत से चेंजेस किए यहाँ पे, इसका पता है ना नाम जी, वैसे ही स्टोन स्लैब है ठीक है, जिस पे लिखा हुआ था मोहम्मद अब्दुल बकी दारोगाए मतबा इंचार्ज ऑफ द किचन मोहम्मद बाकिर सुप्रची, सुप्रची कहते थे बावर्ची, फारसी में हाँ, तो वो ये 19th सेंचुरी में ये इंस्क्रिप्शन मिला, उसके बाद हो गया। अब हम लोग आए ढूंढे, हमसे पहले एक अथर्वास रिजवी थे, एक आध और लोग थे, उन्होंने बहुत ढूंढा कहाँ गया इंस्क्रिप्शन, सब ने कहा खो गया। जब हम सर्वे कर रहे थे तो पता ये चला कि इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ ये रैंप है जी जी, इस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक कब्र बनी हुई है, अब उस पर चादर वादर लोग चढ़ाते हैं, वो जो पत्थर इससे गिरा उसकी कब्र बना के अब उसे पूज रहे हैं। माय गुडनेस, जो इंपीरियल हाईवे है ये जो रैंप है ठीक है, यहाँ से पूरा प्रोसेशन वो निकलती है और दीवाने आम में इधर से घुसता था, एंड ये फिर वहाँ से जो वहाँ से आपने? जी ओके। जी और ये टैंक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इन्वर्टेड आर्चेस पे बना हुआ है ओके, और ये जो पानी जो जमा हुआ है ना ये इसके नीचे आर्चेस हैं जो उल्टी आर्चेस, ताकि उस पर पूरा एक बना रहे, क्योंकि ये तो यहाँ पे रिज है ना जो गिर रही है नीचे, है ना, दिस इज नोन एज हौज़े शीरीन द स्वीट वाटर टैंक। वाई इज इट शीरीन?
because Ganga jal would be mixed into this. And the water of this was used for the kitchen. एक हम लोगों को सोर्सेज में मिलता है कि एक बार एक बहुत ज़्यादा बरसात हो गई थी, पानी बहुत भर गया था, तो ये इसकी एक दीवार उधर की टूट गई थी जिसको फ्लडिंग हो गई थी, और नीचे वहाँ के ऊपर वो एनिमल सुपरिंटेंडेंट और कौन और कौन जो रहते थे उनमें से कई लोगों की डेथ हो गई। अब हम लोगों ने जो एक्सकेवेशन इसके नीचे वाले एरिया में किया तो वहीं पे चीता खाना, अकबर खाना, उनके एस्टेब्लिशमेंट वो सब इसके नीचे हैं, इसके नीचे अभी मौजूद हैं एक्सकेवेशन से वो सब लिखे। और वो बच्चन वो जो मैदान सामने नज़र आ रहा है जहाँ वो दूर एक डोम भी नज़र आ रहा है, वो भरतपुर रोड है जिसको हम लोग छोड़ के आए हैं। हाँ वो डोम है ना। ये जो बीच में ग्रीन जो ग्राउंड है जी, दैट वाज द लेक, पूरा लेक था, द लेक ऑफ फतेहपुर। या वो अगर तुम कभी अगस्त में या जब बारिश के बाद आओगे तब ये भरा हुआ पानी मिलेगा, वरना खेत में बैठा। और उधर की तरफ जो एरिया है जहाँ वो डोम बना हुआ जी, दैट इज द एरिया ऑफ बैटल ऑफ खंडवा, द बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। और उसी के किनारे वहाँ पर बाबर ने एक गार्डन लेआउट कराया था जिसका नाम था बाग ए फतह, द विक्ट्री गार्डन, फतेह जो अकबर ने बाद में आके वहीं पे कैपिटल बनवाया जिसका नाम फतेहाबाद और कॉमन गार्डन।